अगर मेरे पास किसी दूसरी टीम के खिलाड़ी को अपनी टीम में लेने का मौका मिलता है तो मैं फाफ डुप्लेसिस को चुनता। जरा गैस कीजिए, शब्द किसके होंगे? नहीं नहीं भाई, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शब्द हैं क्रिकेट के बेताज बादशाह विराट कोहली के। विराट कितने बड़े क्रिकेटर हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, इतना बड़ा प्लेयर अगर फाफ डुप्लेसिस का नाम ले तो मतलब साफ है कि ये बंदा भी कोई तगड़ा सुपरस्टार होगा। ये बंदा भी रन मशीन ही होगा, इसकी फिटनेस भी शानदार होगी, अपनी टीम का कप्तान भी रहा होगा। कितनी बार इसने अपनी टीम को कई मैच भी जिताए होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये सब क्वालिटीज थी इस खिलाड़ी में। कई वर्षों तक लगातार ये बंदा साउथ अफ्रीकी टीम का बेशकीमती खिलाड़ी रहा। पूरी लगन से अपने देश के लिए खेला, हमेशा जी जान से परफॉर्म किया, दुनिया भर में इस दिग्गज का खूब नाम हुआ। हर फैन का यह बंदा मनपसंद खिलाड़ी बना। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि इसके अपने ही देश ने कभी इस कोहिनूर की इज्जत नहीं की। और जब ये खिलाड़ी अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में था, अपने फॉर्म की पीक पर था, तभी इन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है। और छुट्टी ऐसी भी परमानेंट हुई कि फिर कभी दोबारा ये खिलाड़ी साउथ अफ्रीकी जर्सी में खेल नहीं सका। ये कहानी उस बदनसीब क्रिकेटर की है जिसे उसी के अपनों ने गुमनामी के समंदर में झोंक दिया। आप सभी फैंस के काफी भारी तादाद में आए कमेंट्स के बाद आज हम अपनी इस दुख भरी सीरीज द लीजेंड स्नब के तीसरे एपिसोड में आ चुके हैं, एक ऐसी कहानी लेकर जो कि अभी तक अनकही है, अनटोल्ड है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिर फॉप किस वजह से टीम से ड्रॉप हुए, इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन काफी रिसर्च और थोड़ी स्टडी के बाद हम ये जान चुके हैं ये सब कैसे और क्यों हुआ। तो आज हम आपको बताएंगे द सैड स्टोरी ऑफ फॉफ डुप्लेसिस करियर। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि जिस इंसान ने ये सारा षड्यंत्र रचा है आखिर में आप उसका नाम जानकर चौंक जाएंगे। वैसे तो इस कहानी की शुरुआत 2011 में ही हो चुकी थी, जब महज अपने पहले वर्ल्ड कप में खेल रहे फॉफ को उनके एफर्ट की सराहना की बजाय क्वार्टर फाइनल में एबी डिविलियर्स के रनआउट का दोषी ठहरा अपने देश ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दे डाली थी। कहने को ये भले ही हीट ऑफ द मोमेंट था, मगर फॉफ को इशारा मिल चुका था कि उनके अपने ही देश के लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। खैर, उन्होंने इस मुश्किल घड़ी से तो खुद को निकाल ही लिया और समय के साथ ही अपना गेम टॉप नोच कर लिया। क्रिकेट की दुनिया में बड़े ऐसे कम क्रिकेटर हुए जो हर फॉर्मेट में पूरी तरह फिट बैठते हैं, और फॉफ वही ब्रीड के खिलाड़ी बन गए जिनकी उच्च कोटि की परफॉर्मेंस ने उन्हें सबका चहेता बना दिया। साथ ही इस जनाब ने हर फॉर्मेट में टीम अपनी जगह पुख्ता की। 2015 वर्ल्ड कप में अपना जलवा खूब बिखेरा। डिविलियर्स के बाद साउथ अफ्रीका के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। उसी साल फॉफ तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी भी बने। हर साल कोई न कोई रिकॉर्ड बनाते जाते और जब उन्हें कप्तानी मिली तो टीम को नई बुलंदियों पर भी ले गए। 74% की हेल्दी आउटपुट से ओडीआई में जीत हासिल की। अभी तक चीजें बिल्कुल ठीक लग रही थी, फॉफ का करियर बुलंदियों पर था। लेकिन फिर आया 2019 का विनाशकारी वर्ल्ड कप जहां साउथ अफ्रीका मुंह के बल गिरा। मेन खिलाड़ी चोटिल हो गए, जो टीम में थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। साउथ अफ्रीका अपने पहले तीन मैच हार गई और फिर कमजोर टीमों से भी हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जहां किसी भी खिलाड़ी का पूरा टूर्नामेंट डिलीवर न करना बेहद दुखद था। हालांकि फाफ ने अपनी टीम में हाईएस्ट 387 रन बनाए, लेकिन ग्रुप स्टेज के एग्जिट का खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ा। बीच वर्ल्ड कप फाफ का एक स्टेटमेंट आना कि आगे उन्हें कप्तानी का मौका मिलेगा या नहीं, ये स्पष्ट कर गया कि टीम उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं कर रही है। उन्होंने अपने आखिरी ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया, मैन ऑफ द मैच भी बने, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। उन्हें बिना किसी कारण के 2019 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अचानक से उनसे कप्तानी छीन क्विंटन डीकॉक को दे दी गई। एक्सपेरिमेंट के नाम पर टीम में आए दिन कोई नया चेहरा खेल जाता। 3-3 विकेट कीपर तक खिला दिए गए, लेकिन जिसे टीम में होना चाहिए था उसे व्हाइट बॉल क्रिकेट से ही अचानक ड्रॉप कर दिया गया। अब फॉफ सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान रह गए थे, जहां भारत और इंग्लैंड से मिली हार ने चीजें बद से बदतर कर दी। अगर आदमी सामने वाले दुश्मन से हार रहा हो तो कमबैक करना आसान होता है, लेकिन जब अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं, तो बड़े से बड़ा शूरवीर भी ढेर हो जाता है। यही हुआ फॉफ के साथ। कोटा सिस्टम की आड़ में साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता तेमा बाबूमा को ओडीआई और T20 टीम में एंट्री करा दी। टेस्ट में तो ये परमानेंट थे ही, लेकिन इन्हें टीम परमानेंट करने के लिए फॉफ की ओडीआई और T20 से छुट्टी कर दी गई। ऊपर से यहाँ हुई एक कंट्रोवर्सी जब कप्तान फॉफ ने इंग्लैंड सीरीज में 2019 में बाबूमा को उनके खराब फॉर्म के चलते ड्रॉप किया, तो मीडिया ने उनसे तब टीम के इकलौते बैट्समैन के टीम में ना होने का कारण पूछा, तो फॉफ ने बेबाकी से कह डाला कि हमारी टीम कलर नहीं देखती। इसके बाद फॉफ को खूब क्रिटिसाइज किया गया। उन्हीं की टीम के डायरेक्टर ग्रेम स्मिथ और कोच मार्क बाउचर ने उनका साथ नहीं दिया। वैसे तो फॉफ तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल थे, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए वे एक शॉर्ट ब्रेक चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उड़े ही कप्तानी छोड़ दी। लेकिन मार्क बाउचर ने उन्हें T20 कप्तानी छोड़ने को भी कर डाला, और ना चाहते हुए भी 2020 में उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी। हालांकि वे सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे, लेकिन अब व्हाइट बॉल से उनका पत्ता पहले ही कट चुका था। पर यहां बाउचर के साथ हुई एक नोकझोंक ने उनके करियर की लंका लगा दी। दरअसल पाक के खिलाफ 2021 में
फर्स्ट टेस्ट के दौरान स्टंप से कुछ ही देर पहले नाइट वॉचमैन केशव महाराज को भेजने की पूरी तरकीब सेट थी, लेकिन ऐन मौके पर मार्क बाउचर ने इस फैसले में अपनी टांग अड़ाते हुए फाफ को जबरदस्ती क्रीज पर भेज दिया और ये जनाब स्टंप से सिर्फ 5 मिनट पहले आउट हो गए। टीम मीटिंग में ये मुद्दा छिड़ा जिससे बवाल मच गया, इसलिए फाफ ने उस सीरीज के बाद तुरंत टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया ताकि अपना पूरा फोकस 2021 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में लगा सके। फाफ ने तो अपनी टेस्ट रिटायरमेंट के बारे में भी बाउचर से डिस्कस करना चाहा, मगर उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद वे एक बात जान चुके थे कि साउथ अफ्रीका बोर्ड उन्हें जबरदस्ती रिटायर करना चाहता है। अब भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मार्क बाउचर कुछ साफ नहीं बोलते थे, लेकिन उस किस्से ने फाफ और बाउचर के रिश्ते खराब कर दिए थे। फाफ ये जान चुके थे कि वर्ल्ड कप के लिए उन्हें नहीं चुना जाएगा, क्योंकि बाउचर का पूरा समर्थन डिकॉक और बाबूमा को था। भैया ये तो कोई अंधा भी बता देगा कि फाफ और बाबूमा में कौन बेहतर है, लेकिन इनकी अकल पर पत्थर पड़े थे। तब उन्होंने सिर्फ T20 कॉन्ट्रैक्ट की बात की, मगर बाउचर ने उससे भी मना कर दिया और हारकर डुप्लेसिस ने दुनिया भर का फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और रनों की बारिश कर दी। मगर इस बेशर्म मैनेजमेंट के कानों में जू तक नहीं रहेंगे। एक तरफ इंग्लैंड है जो रिटायर हो चुके स्टोक्स को बार बार बुलाकर वर्ल्ड कप खिलाना चाहती है, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो कि अपने सबसे बड़े खिलाड़ी के अवेलेबल होने के बावजूद उसे ठुकराती रही। देखते ही देखते 2021, 2022 और आज 2023 का वर्ल्ड कप आ गया। फाफ रन पे रन बनाते रहे और उन्हीं के बोर्ड के सिलेक्टर पॉलिटिक्स करके उन्हें ठुकराते जा रहे हैं। बोर्ड के इस घमंड का खामियाजा इनकी अपनी टीम को भुगतना पड़ता है, और जो फाफ इस वक्त सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं, फिटनेस में भी बेस्ट, उन्हें ठुकरा कर ये अपने क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। ये जानते हुए भी कि 2015 की साउथ अफ्रीकन टीम के उस गोल्डन एरा की आखिरी निशानी बचे हैं फाफ। ऐसे में बेचारे फाफ भी क्या करें, उनके हाथ में है ही क्या, सिर्फ उम्मीद है कि शायद 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उनका चयन हो जाए। फाफ आज भी बाहें फैलाए व्हाइट बॉल क्रिकेट में तैयार खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई चाहता ही नहीं। तो इस तरह कोटा सिस्टम और मार्क बाउचर ने फाफ का करियर खत्म कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फाफ के ना रहने से साउथ अफ्रीका की टीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।